असलम डियर स्टूडेंट्स आज हम चिल्ड्रन राइट टू रीड का नाइन्थ राइट पढ़ने जा रहे हैं पर उसको हम सबसे पहले इकट्ठे पढ़ते हैं कि वो है क्या रीड एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच इज़ राइटिंग स्पीकिंग एंड विजुअली रिप्रजेंटिंग इसका मतलब क्या है इसका बहुत ही आसान मतलब तो ये है कि रीडिंग एक वो पाथवे है वो एक फाउंडेशन है कि जब बच्चे को रीडिंग आ जाती है तो वो और बहुत से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकता है बिकॉज ऑफ रीडिंग लाइक राइटिंग लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी स्पीच डेवलपमेंट फैसिलिटेट होती है रीडिंग के थ्रू उसकी विकैबरी बनती है उसके सेंटेंसेस स्ट्रेंथन होते हैं पर इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है जो इस राइट में लिखा हुआ है वो तो ये है रीडिंग एज अ टेक्सट प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग रीडिंग का मकसद सिर्फ रीड आउट करके उसको रट्टा मारना नहीं है और रिप्रोड्यूस कर देना नहीं है एक्चुअली उसके अंदर मौजूद मीनिंग को समझना है और उसको समझने के बाद आपको अपने नेक्स्ट जर्नी तक चलना है वो ख़ुद इट कोई मंजिल नहीं होती मीनिंग को जब आप समझ लेते हैं मैसेज को समझ लेते हैं उस मैसेज को जब हम आगे लेके जाते हैं आगे बढ़ते हैं और उस पर मज़ीद बिल्डअप करते हैं इंटेलेक्चुअली सोशली कल्चरली और एज एन एक्टिविस्ट तो इसका मतलब होता है मीनिंग मेकिंग तो हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सी एग्ज़म्पल है आप सब लोग ये राइट्स पढ़ रहे हैं अगर आप ये राइट पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसको सिर्फ रट्टा मार लें तो बुनियादी तौर पे ये तमाम राइट पढ़ने के बाद फेल हो गए तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये मीनिंगफुल रीडिंग दिस राइट लीड यू टू कंसर्न फॉर चिल्ड्रेन फुल एक्सेस टू लिटरेसी एंड बिकम एक्टिविस्ट सो अगर आप इनको पढ़ने के बाद जागते हैं इमोशनली जागते हैं इंटेलेक्चुअली जागते हैं और आप कोशिश करते हैं कि बच्चों तक लिटरेसी कॉन्टेंट पहुँचे और ये तमाम हकूक बच्चों तक पहुंचने के लिए आप एज अ एक्टिविस्ट पार्टिसिपेट करते हैं टीचर्स को एम्पावर करते हैं पेरेंट्स को इम्पावर करते हैं सिबलेंस को इम्पावर करते हैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इम्पावर करते हैं इसका मतलब है यू आर एक्चुअली नॉट ओनली रीडिंग दिस राइट बट एक्चुअली मेकिंग अ मीनिंग आउट ऑफ इट एंड दिस मीनिंग मेकिंग इज अ जर्नी एंड इट इज अ प्रोसेस देन द पावर ऑफ लिटरेसी इज रियलाइज अदरवाइज सिर्फ इसको पढ़ने से इसकी रियलाइजेशन मुमकिन नहीं हो सकेगी सो नाओ दिस इम्पॉर्टेंट एक्शन फैक्टर इज़ एक्चुअली आ पार्ट ऑफ आ रीड रीडिंग इज अ चाइल्ड राइट प्रोसेस प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग के अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं कि जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं सो हम इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर डिस्कस करते हैं वो ये है कि लिटरेसी वर्क फॉर चिल्ड्रेन वेन दे आर एबल टू फाइंड सम मीनिंग दैट कम फ्राम वट दे नो एंड कैन टेक फॉरवर्ड इन देर जर्नी तो बच्चों को भी हमने इसी प्रोसेस में लाना है कि जब वो कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो वो उससे फिक्स ना हो जाए जो ऑथर ने उसमें मीनिंग बताया है वो उस मीनिंग में ही सिर्फ रिस्ट्रेन होके ना रह जाए बल्कि उससे मज़ीद आगे मीनिंग मेकिंग करें जो उन्हें इंटेलेक्चुअल एक्शन प्रोसेस पे लेके आए और बिहेवियर और सोशल एक्शन प्रोसेस पे लेकर आ सके प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग के अंदर और मज़ीद क्या चीज़ हो सकती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि बच्चों को जब हम कोई रीडिंग मटेरियल प्रेजेंट करते हैं तो बच्चों को उसमें ये पता चलता है कि वो ऑलरेडी क्या जानते हैं और उसके अंदर और मज़ीद क्या चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं और उससे वो और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं तो वो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहते उनकी थाट प्रोसेस जो वो जानते हैं उससे एक्सपेंड होता है वो उनके इंटलेक्चुअल एक्शन में ट्रांसफ़ॉर्म होता है वो उनके सोशल एक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है वी कैन बिकम बेटर पीपल and make the world around us a better place through writing, speaking, visual representation. जब हम बेहतर इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल फ़ेज में दाखिल होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कम्युनिकेशन हम शेयर करें बाकी लोगों के साथ हम उन्हें एम्पावर करें हम उन्हें एजुकेट करें हम उन्हें फैसिलिटेट करें हम उनके लिए रास्ते बनाएं और उनके लिए रास्ते बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम लिख के बात करें हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें अपने डायलॉग उनके साथ शेयर कर सकें हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकें तो रीडिंग वो बेस प्रोवाइड करती है जहाँ हम इन स्किल्स तक भी पहुँच पाते हैं और हम इन स्किल पर रुके नहीं रहते बल्कि हम इससे आगे बढ़ते हैं फैमिली टीचर्स और कम्यूनिटी मेम्बर क्या कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझने की है कि जो रास्ता हम बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ से उनका रीडिंग के लिए इंटरेस्ट शुरू होता है और फिर इंक्वायरी बेस्ड माइंड शुरू होता है वही रास्ता उनको लेके जाता है रीडिंग एडवोकेसी की तरफ और यही वो पॉइंट है जहाँ बच्चे फुली लिटरेट होते हैं ना सिर्फ वो खुद पढ़ना जानते हैं बल्कि दूसरों को भी पढ़ना सिखाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं दैट इज़ एक्चुअल रियल एजेंडा ऑफ दिस राइट ये कैसे मुमकिन हो सकता है आ, ये इस तरीके से मुमकिन हो सकता है अगर फैमिलीज टीचर्स और कम्युनिटी मेम्बर्स एप्रीशियट करें बच्चों की रीडिंग टाइम को और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं जिस वक्त पढ़ रहे हैं वो एक अहम फिनना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उन्हें गौर से सुने जब बच्चे रीडिंग कर रहे हैं या वो जो रीड आउट कर चुके हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं या वो आपसे डायलॉग करना चाहते हैं गिव क्वालिटी लिसनिंग एज वेल और वो क्या कर सकते हैं दे कैन इंगेज इन क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द टेस्ट जो कि किस किस्म के सवाल कर सकते हैं क्रिटिकल रीडिंग के लिए हु रॉट दिस कौन इसका राइटर है वो किस कल्चर से बिलोंग करता है वो किस एथनिसिटी से बिलोंग करता है उसकी जेंडर क्या है उसने ये क्यों लिखा है और इसके क्या वजूहत हो सकती हैं

Whose वॉइस आर नॉट हर्ड और आर साइलेंट आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको उस कहानी में कैसे पता चलता है कि कौन लोग हैं जिनकी आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच सकती या कौन मार्जनलाइज कम्युनिटी है जिनकी हम आवाज़ें बन सकते हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए डिस्कशन के लिए बच्चों की एक ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं एडल्ट फैमिलीज टीचर्स कम्युनिटी मेम्बर और क्या कर सकते हैं द लिटरेसी जर्निंग कंटिन्यू थ्रू द चाइल्ड कम्युनिकेशन विद अदर्स यूजिंग राइटिंग Uh, बच्चों को जब राइटिंग स्किल्स डिवेलप होती है तो वो खुद एज अर लिखते हैं, हैं कहानियाँ लिखते हैं हम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करें द वे अदर्स आर शेयरिंग देयर आइडियाज विद देम। कैन हैव अ डायलॉग कम्युनिटी मेंबर्स उनके साथ बैठ सकते हैं पेरेंट्स और टीचर दे नीड टू अ वेरी इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल डायलॉग विद एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे कैन बिल्ड एजेंसी एंड स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं वाइया ड्राइंग्स वाइया ग्राफिक्स आ, जिसके थ्रू वो जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं और अपने ओपिनियन बिल्डअप करते हैं इसको हम कहते हैं अपनी एजेंसी बिल्डअप करना कि वो जो सोचना चाहते हैं वो सोचें और जो उनकी ओपिनियन है वो उसको बिल्डअप करें ना कि वो ओपिनियन इस तरीके से बिल्डअप हुई हो जो ऑथर ने कह दिया है किताब में और हम उसे फाइनल वर्ड्स ले लें डेफिनेटली ये नाइन्थ राइट की टोटल वायलेशन है रीडिंग जर्नी थ्रू लिटरेसी इज टू लिबरेट जब हम रीडिंग करते हैं लिटरेचर्स के थ्रू बुक्स के थ्रू तो वो हमें आज़ाद करती है ना कि हमारी सोच को कन्फाइन करती है एज पेरेंट कम्यूनिटी मेम्बर टीचर सिविल सर्वेंट ये हमारी जॉब है कि हम इस जर्नी को कैरी ऑन रखें ना कि बच्चों के माइंड को फिक्स कर दें कैसे डायलॉग्स है कम्युनिकेशन है उन्हें सुनने से वो जो लिख रहे हैं उसे पढ़ने से उसे डिसिमिनेट करने से उन्हें एक्नॉलेज करने से सो so, हमें तब तक मुतमईन होके नहीं बैठना चाहिए जब तक हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर लेते इसको फैला नहीं देते और हर बच्चे तक ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर देते कि वो रीड आउट करे वो मीनिंगफुली उसको अंडरस्टैंड करे और वो एक्चुअली बेहतरीन किस्म का सोशल एक्टिविस्ट बन सके